हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुपिंद्र सचिन गढ़वाल, आपको वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन पर। सो बेटा जी, जैसे कि एग्जाम बहुत ही पास आ गए हैं और सबसे ज्यादा वरिड है बच्चे नोट्स के लिए। सो बेटा जी, टेंशन मत लीजिए, आपके भाई ने बहुत सारी मेहनत करके, मतलब 4-5 डेज का वर्किंग करके, हार्ड वर्क करके एक बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया है। मीन्स आपका एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, ठीक है, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर और सीबीएसई के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। सो सबसे पहले बेटा, जो नोट्स कौन से हैं हम देख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, मींस जो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये बनाया है और इसमें क्लास 10 के सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और जितना भी बेटा जी वन शॉट का कंसेप्ट है, ये बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए बनाया है। केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन ने सिर्फ आपके लिए बेस्ट नोट्स बनाए हैं। चलिए एक बार नोट्स देख लेते हैं, ये नोट्स क्या है और इस नोट्स का प्रॉफिट क्या है। बेटा जी, इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करा है और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर मुझे बिल्कुल चांस लगता है कि आपका क्वेश्चन आने का चांस है। और कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने सबका एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, तो बेस्ट है, मतलब किसी भी वीडियोस में अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स के एग्जाम्पल नहीं दिए हैं। मिस मैं इसकी श्योरिटी देता हूं कि ऐसे नोट्स में आपके भाई ने जो बनाए हैं ना मेहनत करके, ये आपको मिलेंगे नहीं कहीं पे, ठीक है। आपका एक एक एग्जाम्पल में एक एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे बैलेंसिंग इक्वेशन के ऊपर बनाया हुआ है और अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे वन शॉट, आप जो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे साइंस के, सिर्फ आपके लिए, ये सारे बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कोशिश करना है कि ये अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, डेफिनेटली अच्छी लगेगी आपको क्योंकि बहुत मेहनत की गई है, ये उन बच्चों को शेयर कीजिए जहां पर आप जो बच्चे ट्यूशन नहीं रख पा रहे हैं या ऑनलाइन वीडियोस के लिए बहुत सर्च कर रहे हैं। तो बेटा सारा वेरीफाइड एंड वेल डिफाइंड कंटेंट है आपके पास। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस बेटा ऊपर क्वेश्चन है, मैंने इस नोट्स में बेटा स्पेशलिटी क्या है कि इसमें मैंने सारा डिफाइन किया हुआ है कि किस टाइप से यहाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन अराइज होने के चांस हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे इस बार बिल्कुल चांस मिलेंगे आपको, मैं गारंटी देता हूँ आपको, डेफिनेटली डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर नोट्स मिलेंगे। और इस नोट्स में से ही, मतलब मेरे वाले नोट्स में से ही आपको सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन एक मिल जाएगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। आप सर्च कर लेना, ठीक है, मेरे नोट्स मिल जाएंगे और जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके में मैंने कुछ एक्टिविटी सेशन भी रखा है, एक्टिविटी सेशन में से इस बार सैंपल पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सारे के सारे इस नोट्स में मिल जाएंगे आपको। फोटोलाइसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन है इसमें सारा, और यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बेटा कुछ क्वेश्चंस मार्क किए हुए, तो वो सारे के सारे किसी भी नोट्स में ऐसे नहीं दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ द नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिएक्टिविटी सीरीज, मींस ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस चैप्टर के नोट्स हैं, हर चैप्टर की मिलेंगे और इंटर रिलेट है। देखो बेटा, चीजें जब आप इंटर रिलेट करके चलते हैं ना, चाहे साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट में आप इंटर रिलेट करते हैं, सो वो आपका बेस्ट मेथड होता है लर्निंग का। और यहाँ पे मैंने हर चीज को बैलेंस कराया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट से अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा बेटा जी, तो ये दो एग्जांपल हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक डबल डिस्प्लेसमेंट। सो ये दोनों क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीटेड मोड में आ रहे हैं, ये बेटा रिपीटेड मोड में आ रहे हैं आपके, तो सारे के सारे रिपीटेड मोड के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। एनसीईआरटी का ये पार्ट नहीं किया बेटा, फिर एक्टिविटी सेशन का मैंने बोला है कि जितना जो भी कंटेंट मेरे नोट्स में मिलेगा आपको सारा वेरीफाइड और सारा सर्च करके, मतलब कंक्लूजन मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्टिविटी सेशन दिया हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, पूरे चांस रहेंगे। ये टॉपिक कैल्शियम का बेटा और कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऐसा टॉपिक है जो 2-3 चैप्टर का कॉमन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बेटा इसपे बिल्कुल फोकस रहना चाहिए आपका। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आप पे 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्जाम में मेरे नोट्स में से, इसकी गारंटी है, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे आपका बेटा डेफिनेशन नहीं पूछेगा, यहां से पूछेगा आपके एग्जाम्पल, मीन्स आपको कुछ एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। और सबसे बेस्ट थिंग क्या बेटा जी, इसमें एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन है जो सारे सैंपल पेपर में कॉमन और इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारे इसके अंदर मेंशन है। देखो बड़े अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, अगर आप वीडियो देखोगे तो एक ही चीज बिल्कुल डिफाइन की हुई है। उसके बाद सीबीएसई का जो क्वेश्चन बैंक में जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको वेल डिफाइंड और वेरीफाइड मिलेगा सारा का सारा, मींस बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बेटा ये खास खास नोट है इसका, यहाँ पे सारे के सारा आपको डिटेल वीडियो वन शॉट मिलेगा, सिर्फ ओनली फॉर यू, जस्ट लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट फॉर गेटिंग द मोर नोट एंड डाउट सेशन। और आपका जिस भी, मतलब आपको जिस भी टॉपिक का अलग से वीडियो चाहिए वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। जस्ट कमेंट अस एट आर YouTube चैनल की आपको ये कंटेंट चाहिए, वो आपको सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।